अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद अरमान है, मैं यूपी से ज़िला सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि नमाज में मैं लंबा क़याम करना चाहता हूँ, तो क्या सूरत, मुझे चंद सूरत याद हैं, तो क्या एक सूरत मैं बार बार पढ़ सकता हूँ? ये अरमान भाई हैं, यूपी से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना ये है कि मैं नमाज में लंबा क़याम करना चाहता हूँ, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं, तो लंबा क़याम कैसे करेंगे? सूरह बकरा जैसी बड़ी बड़ी सूरतें नहीं याद हैं, छोटी छोटी सूरतें याद हैं, या बड़ी सूरतों में से कुछ हिस्सा याद होगा इनको। तो इनका कहना ये है कि हम कुछ आयतें बार बार पढ़ना चाहते हैं, या कुछ सूरतें हैं उसको कई बार पढ़ना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से लंबा क़याम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा याद कर लें। अगर ये शौक़ है लंबा क़याम करने का तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके पास कि आप लंबा क़याम करना चाहते हैं। तो इस क़याम को और इस शौक़ को और बाबरकत बनाएं और बेहतर बनाएं, बाईस से अजर बनाएं। आप कुरान मजीद याद करें और याद करें, और कोशिश ऐसा करें कि एक क़याम में जो आप पढ़ें उसको रिपीट ना करना पड़े, तो ये बेहतर है। लेकिन जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आप एक ही सूरे अगर कई बार पढ़ना चाहें तब भी कोई हर्ज की बात नहीं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।